देखिए, हम जो हैं सूबाई हुकूमत जो है वो आईन बहुत वाज़े है, वो ये है कि हम ताबे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। हम डायरेक्ट जो हैं मिसालें हम आंसरेबल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अब मिसालें सदर साहब जाने और इलेक्शन कमीशन, वो आपस में जो भी वो मिसालें उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है या जो वो आपस में वो करते हैं, तो अल्लाह उनको खुश रखे। और दूसरा ये है कि हमें जब इलेक्शन कमीशन बताएगा, हमें एक नोटिफाई करेगा, हमें कहेगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, बाकायदा तरीके से हमें वो बताएगा कि इस तारीख को आप इलेक्शन जो है करवाएं, हम तैयार हैं। हमारा कोई वो नहीं है, जब इलेक्शन कमीशन हमें कहेगा, वो हमें कहता है कि कल इलेक्शन करें, वो हमें कहता है कि 2 महीने बाद करें, 3 महीने बाद करें। अभी देखें, उन्होंने जो डीलिमिटेशन का वो टाइम दिया है और जो इन्होंने सेंसेस हुई हैं, अब सेंसेस में सारी ये पार्टीज मौजूद थी, सब लोग उसमें वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने सारों ने अपना रजामंदी जाहिर की और सेंसेस का जो है वो अमल शुरू हो गया। तो अब जब अमल शुरू हुआ है तो वो भी आईन का हिस्सा है। जब तक वो अमल अब कंप्लीट नहीं होता तो वो भी आईन का हिस्सा है। यानी आप देखें ना कि सेंसेस हुए, पूरे पाकिस्तान में सेंसेस हुए, वो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को गए, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने सारे कंपाइल करके जो है वो ईसीसी को फॉरवर्ड कर दिए, उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईनी तौर पे अब बाउंड है कि वो इस नए सेंसस के मुताबिक डीलिमिटेशन करके, और फिर जो वक्त तय किया गया है कि उस दिन से आपको वो जो दिन आपको देने पड़ते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, वो दिन देंगे तो कहीं जाके फरवरी में उसका वो आता है। तो अब वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो जिस तरीके से हमें हुक्म करें तो हम उसके ताबे होंगे।